हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल साईं ऑटोमोबाइल में। दोस्तों, आज हमारे पास में एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट कार आई है जो है वैगनर 2014 मॉडल एलएक्सआई सीएनजी। दोस्तों, इस कार का एक्सीडेंट जो है वो लेफ्ट साइड में हुआ था। ये कार रास्ते की तरफ लेफ्ट साइड में जाकर पलटी हो चुकी थी, जिसमें बहुत ज़्यादा इसको नुकसान हुआ है। इसके लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं वीडियो में कि इस कार के जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं, जैसा कि इसका लेफ्ट साइड बॉडी पैनल, रूफ टॉप, हुड, फेंडर्स, ए पिलर एरिया, ये सभी चीज़ें इस एक्सीडेंट में अफेक्ट हुई हैं। क्योंकि ये कार ऑलरेडी अराउंड 10 साल पुरानी है, तो इस कार पे काम करना बहुत ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि कई सारे पार्ट रस्टेड होते हैं, कई नट एंड बोल्ट रस्ट लगने के चलते जैम रहते हैं। तो इस समय रिपेयर करने के लिए हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह से हम क्या क्या चीज़ें, किन चीज़ों की प्रिकॉशंस लेते हैं, किस तरह से हम इतनी पुरानी कार को रिपेयर करने समय डील करते हैं, और इन फ्यूचर जितने भी सारे कार कस्टमर रखेंगे उन्हें किसी तरह की तकलीफें ना आए या वो तकलीफें कम से कम आए, इस चीज़ का हम रिपेयर करते समय किस तरह से ध्यान रख सकते हैं ये भी देखेंगे। आप वीडियो में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये जो पार्ट है, इसे हम लेफ्ट साइड बॉडी पैनल कहते हैं, जो तीन हिस्सों में आता है, आउटर, इनर और रीइंफोर्समेंट। ये पूरी तरह से क्रम्पल हो चुका है, साथ ही इसका रूफ टॉप वो भी काफ़ी डैमेज हुआ है, पर वो रिपेयरिंग कंडीशन में है। डोज वगैरह पूरी तरह से क्रश हो चुके हैं, पूरी तरह से डैमेज हैं। ये जो एरिया है, इसे हम क्वार्टर पैनल कहते हैं, इसमें अंदर का हिस्सा भी काफ़ी डैमेज हुआ है। जब कभी भी कार इतनी बड़े एक्सीडेंट में डैमेज होती है, तो डेफिनेटली बहुत सारे हिडन एरियाज, बहुत सारे हिडन पार्ट्स भी होते हैं जो डैमेज होते हैं, जो हमें रिपेयर करते समय मालूम पड़ेगा। वन बाय वन हम उसमें आगे काम करेंगे। ये कार एक इंश्योरेंस क्लेम अंडर के प्रोसेस में रिपेयर होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 10 साल पुरानी कार है, तो ऐसे में काफ़ी सारे इंश्योरेंस की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसे कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही दोस्तों, सबसे बेस्ट पार्ट ये है इस कार का कि लकीली इसमें किसी भी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं है, कोई इंजरीज नहीं है, तो जिसकी वजह से लीगल बहुत सारी प्रोसीजर थी जो स्किप हो गई। दोस्तों, आपने देखा ये वैगनर जो कुछ दिन पहले हमारे पास में काम के लिए आई थी, इसे हमने अभी पार्शियली डिसमेंटल किया हुआ है आपको दिखाने के लिए कि इस एक्सीडेंट में जो हिडन एरियाज जो डैमेज हुए थे, जो हमें इसके इनिशियल वॉक अराउंड वीडियो में नज़र नहीं आए थे, जैसे कि क्रॉस मेंबर हो गया, देखेंगे आप यहाँ पर पूरा क्रम्पल हो चुका है, पूरा फोल्ड हो गया है। साथ ही जो उसका ये मेंबर है, अगर आप नज़दीक आएंगे, इसे हम लॉन्गिट्यूडनल मेंबर कहते हैं, जो एप्रन का हिस्सा होता है। आप देखेंगे जो ये शॉकअप असेंबली है, स्टड असेंबली है, इस पार्ट को पूरा रब करके आइए, इसके वजह से ये पूरा मिसअलाइंड हो गया है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। सेकेंडली, इसका जो बल्कहेड एरिया है वो भी काफ़ी अफेक्ट हुआ है। अगेन, अगर आप इस साइड में आएंगे, आप देखेंगे अभी आपको जो विजिबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा दिख रही रहेगी, ये सभी पार्ट्स की, ये सभी पार्ट हम नए रिप्लेस करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इसका साइड बॉडी पैनल है जो हमें कट करके इसे डालना पड़ेगा। इत्तेफाक़ से ये गाड़ी जितना सोचा था उतनी डैमेज नहीं निकली। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इसका स्ट्रक्चरल पार्ट को बहुत नुकसान हुआ रहेगा, बट ऐसा नहीं है, है इसमें काफ़ी काम, क्योंकि कई जगह पे रस्टिंग भी है, बट हम इसे सभी पार्ट नए पार्ट से रिप्लेस करेंगे। साथ ही जितने भी हम स्पेयर्स यूज़ कर रहे हैं, ये सभी मारुति जेन्युइन स्पेयर्स हैं। काम करने में हमें काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि इसका लेफ़्ट पार्ट पूरा एक्सीडेंट में डैमेज हो चुका था, तो हमने सोचा था कि हम इसे पार्ट पार्ट में ना रिप्लेस करके इसे हम पूरी असेंबली करेंगे, जिसमें कार की बिल्ड क्वालिटी पे कोई ज़्यादा हार्म ना हो। वीडियो में आप जो चाइल्ड पार्ट्स देख रहे हैं, ये सभी लेफ्ट जो बॉडी पिलर है, लेफ्ट ए पिलर जिसे हम कहते हैं, उसके रीइंफोर्समेंट और इनर के सभी पार्ट्स हैं। ये हमने आपको जानबूझकर शोकेस किए हैं, क्योंकि ये सभी चाइल्ड पार्ट इस कार को रिपेयर करने में हमें हेल्प करेंगे। हम इसे ठोक कर या डेंटिंग करके सीधा भी कर सकते थे, पर उसमें उतनी रिजिडिटी नहीं आती थी,
इस वजह से हमने इसे रिप्लेस करने का फैसला लिया। सकते हैं ये जो पोर्शन जिसे हम लोग लेफ्ट साइड बॉडी पैनल का रीइंफोर्समेंट कहते हैं, ये भी पूरी तरह से डैमेज हो गया था। स्ट्रक्चरल डैमेज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। साथ ही आप वीडियो में नोटिस करते होंगे कि इसके रूफ टॉप को हमने पिलर के रीइंफोर्समेंट से डिटैच किया है, उसके बाद ही ये रीइंफोर्समेंट रिप्लेस हो सकेगा। रिप्लेस करने के लिए हमें कट एंड वेल्ड प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ये जो आप वीडियो में आप एक्सपोज्ड एरिया देख रहे हैं, ये अंदरूनी हिस्सा है दोस्तों, जो अक्सर मेजर एक्सीडेंट्स में ही रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। लेफ्ट साइड में जो पीछे का हिस्सा है दोस्तों, इसे हम आउटर व्हील हाउसिंग कहते हैं, जो इस एक्सीडेंट में डैमेज हुई है। ऐसे कई तरह के हिडन पार्ट्स हैं दोस्तों जो मेजर एक्सीडेंट्स में डैमेज होते हैं, जो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप अपने काम के इस वीडियो के ज़रिए आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों वैसे तो हम सभी कस्टमर्स को सारी काम की प्रोग्रेस को उनके व्हाट्सएप पे लाइव अपडेट्स के ज़रिए शेयर करते हैं, बट अगर कभी कोई कस्टमर के लिए पॉसिबल होता है वर्कशॉप पर फिजिकली विजिट करना, तो ऐसे में हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कस्टमर को सभी चीज़ें एक्सप्लेन करना, क्योंकि वो खुद जब फिजिकली होते हैं तो वो खुद वेरीफाई भी कर लेते हैं अपनी काम के प्रोग्रेस को, और जितने भी हम स्पेयर्स रिप्लेस करते हैं इन सभी की जेन्युइनिटी को, कॉम्प्लिकेशंस को, चैलेंजेस को वो खुद ही वेरीफाई कर लेते हैं। सो ऐसे में हमारा बॉन्ड भी और स्ट्रॉन्ग होता है और ट्रांसपेरेंसी भी फुल्ली कवर हो जाती है। दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस वैगनार में हमने अभी तक का जो काम का प्रोग्रेस है, अभी भी इस कार पर रिपेयरिंग का काम चालू है, जहां आप देख सकते हैं ये काम इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था कि इसे करने के लिए हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। इसमें हमने कार का जो ए पिलर है वो कट करके निकाल लिया है, रूफ आप देख सकते हैं पूरा हवा में है। इसे फिक्स करने के लिए न जाने हमें कितनी सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, न जाने कितने मल्टीपल टाइम हमें इसके रीटेक करने पड़ेंगे। इस काम को कंप्लीट करते समय हमें इसकी विंडशील की अलाइनमेंट, डोर की अलाइनमेंट, डैशबोर्ड की अलाइनमेंट, ये सभी चीज़ों का बहुत ध्यान देना है। इस समय जो आप एक्सपोज एरिया देख रहे हैं ये थोड़ा रस्टी भी है, ये भविष्य में रस्ट ना लगे इस पे या रस्ट बढ़े ना, इसका भी हमें ध्यान देना है। इसे भी हम इस काम के प्रोग्रेस में ऐड करेंगे, जो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप आपको बताऊँगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर इस समय इसका रूफ जो है हमने रिपेयर कर लिया है, क्योंकि रूफ जो है मोर देन 50% अगर डैमेज होता तो हम शायद इसे रिप्लेस करते थे, पर लगभग ये 20% के आसपास डैमेज था, इसलिए हमने इसको रिपेयर कर लिया है। इसके जो चैनल्स हैं वो भी हमने सीधे कर लिए हैं, साथ ही इसके जो सपोर्ट चैनल्स हैं इसे भी हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, क्योंकि रिपेयर करते समय ये सब चीज़ें डिसमेंटल करनी पड़ती हैं। रिपेयर करना दोस्तों बहुत ज़्यादा आसान होता है, बट जब हम इसे फिक्स करते हैं, रिफिटिंग करते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। अब जब हम इस पर नया साइड बॉडी पैनल फिक्स करेंगे, आप देखेंगे कितने सारे चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। वहाँ पर भी छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इसे स्पॉट वेल्ड से फिक्स करेंगे, वहाँ पर वेल्डिंग बराबर लगी है नहीं लगी है, उसको फिर हमने बराबर फिनिश किया है नहीं किया है, ये हर चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ऐसे काम करते समय दो चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप जो स्पेयर्स यूज़ कर रहे हैं वो जेन्युइन होने चाहिए। सेकेंडली, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और स्किल्ड वर्कर की भी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। आप किसी से भी ये काम नहीं करा सकते, सालों का एक्सपीरियंस लगता है। जो आपके पास में इक्विपमेंट्स हैं उनको हैंडल करने का भी एक्सपीरियंस चाहिए आपको, ताकि उस काम की जो फिनिश है वो कहीं पर भी कम ना पड़े। दोस्तों ऐसे कुछ वीडियोस अपलोड करने पे कई बार हमें हमारे वीडियोस पे कमेंट आते हैं कि एक बार अगर कार की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी हार्म हो जाती है तो उसमें पहले जैसी स्ट्रेंथ नहीं रह जाती, जो कि मैं एग्री करता हूँ और ये बिल्कुल सच बात है। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर कार एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी से टोटल लॉस डिक्लेयर कर दे या कस्टमर सीधा सीधा गाड़ियाँ अपनी बेच दे। आप डेफिनेटली कोशिश करेंगे उसे बेस्ट पॉसिबल वे में रिपेयर करने की, और ये तब पॉसिबल होगा दोस्तों जब आपके पास में एक सही एक्सपीरियंस वर्कशॉप हो, रिलायबल वर्कशॉप हो जिस पर आप पूरी तरह ट्रस्ट कर सके, उनके पास में सही इक्विपमेंट्स हो और सही स्किल्ड मैन पावर हो।
तो ये सब चीजें मैटर करती हैं कि आप अपनी गाड़ी का काम कहाँ कराते हैं। यहाँ वीडियो में दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इस कार के लेफ्ट साइड बॉडी पैनल को फिक्स करने के लिए स्पॉट वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग इक्विपमेंट का यूज किया है। ऐसा हम इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि इससे कहीं पर भी जो भी हम काम करेंगे वो अनफिनिश्ड नजर नहीं आएगा, साथ ही इसकी सेफ्टी और इंटीग्रिटी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कहीं पर भी कोई भी पैनल में रस्टिंग नहीं लगेगी और कस्टमर इसे कुछ सालों तक आराम से मेंटेन करके अपनी कार को रख सकते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे सुपरवाइजर कार के अंदर बैठकर वाटर लीक टेस्ट को वेरीफाई कर रहे हैं। ये दोस्तों जिन भी गाड़ियों का मेजर काम होता है ऐसे में इस पर्टिकुलर प्रोसेस को ध्यान देना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ पर हम सिर्फ लेफ्ट साइड में पानी स्प्रे नहीं करेंगे, हम इसके अपोजिट साइड में भी वाटर लीक टेस्ट करेंगे। जब आप मेजर काम को रिपेयर करते हैं तो ऐसे में आपके राइट साइड के जॉइंट्स कई बार ओपन हो जाते हैं, अनोइंगली कुछ ना कुछ चीज़ें या कुछ ना कुछ एरर्स होते हैं, जिसे रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है कस्टमर की कार को डिलीवर करने से पहले, ताकि बारिश के मौसम में पानी अंदर ना आए या कार वॉश करते समय पानी अंदर ना आए, ये सब चीज़ें या ये सब प्रॉब्लम्स कस्टमर को फेस ना करना पड़े। अब यही सब प्रोसेस के चलते थोड़ा सा डिले होता है, गाड़ी रिपेयर हो जाती है या वो बनकर खड़ी हो गई तो आप कस्टमर को डायरेक्टली डिलीवर कर दें, ये सही बात नहीं है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इसका लेफ्ट साइड पूरी तरह से क्रश हो चुका था, यहाँ आप देख सकते हैं हमारे इस पूरे काम के फिनिश को और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने किस तरह से इस पे काम किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस दोस्तों, मिलेंगे बहुत ही जल्द ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग रिपेयर या रेस्टोरेशन वीडियो के साथ।